हेलो डियर स्टूडेंट्स, रिवर बोट का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले दो वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं, अगर आपने उसको सॉल्व कर लिया है तो ये क्वेश्चन आपको फटाफट से खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखूंगा। चलिए फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। हमें दिया है एक बोट है जो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है, मतलब ऊपर की तरफ जाता है, और 44 किलोमीटर नीचे की तरफ आता है, और टोटल घंटा कितने लगाता है तो 10 घंटे लगाते हैं, 10 आवर लगाते हैं। इट कैन बी गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, और अगेन 40 किलोमीटर ऊपर की तरफ जाता है, 55 किलोमीटर नीचे की तरफ आता है, और टोटल कितना लगाता है तो 13 आर लगाते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो हम लोग यहां से अगेन लेट कर लेंगे, लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर आप लिख लोगे, इसको हम लोग ले ले रहे हैं एक्स किलोमीटर पर आर। उसी टाइप से स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम का जो स्पीड होगा कितना होगा, y किलोमीटर पर आर। ठीक है, अब हमें पता है, अब हमें क्या पता है कि कोई भी बॉडी जो होता है, जैसे बहुत बार मैं बता चुका हूं कि अगर बोट है, बोट नीचे आ रहा है तो उसमें क्या होगा कि वाटर भी, क्योंकि नीचे फॉल कर रहा है, अगर दोनों का सेम स्पीड है, मतलब अगर वाटर नीचे आ रहा है और हमारा जो स्ट्रीम है वो भी नीचे आ रहा है, तो दोनों का जो वेलोसिटी होता है एडअप हो जाता है। इसके लिए मैंने फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझा रखा है, यानी कि डाउन स्ट्रीम में, तो हम लोग लिखेंगे स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, दोनों का स्पीड जो होता है एडअप हो जाता है, मतलब हो जाता है एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आर। उसी टाइप से हम लोग बोल सकते हैं स्पीड इन अप स्ट्रीम, अगर ऊपर की तरफ जाता है, अगर ऊपर की तरफ जाता है तो वेलोसिटी क्या हो जाता है, एक्स माइनस वाई घट जाता है। इसके लिए मैंने फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से बता रखा है। तो यहां से हम लोग बनाएंगे एटीक्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमें पता है टाइम इक्वल्स टू क्या हो गया, लेट अस सपोज हम लोग यहां से यहां जाते हैं, यहां से यहां जाते हैं, है ना, एक बॉडी है यहां से यहां जाता है 2 सेकंड में और यहां से यहां जाता है 3 सेकंड में, तो हम लोग से पूछेंगे टोटल टाइम, तो हम लोग क्या करेंगे कि लेट अस सपोज ये t1 है, ये हमारा t2 है, तो t इक्वल्स टू क्या होगा, t1 प्लस t2, यही ना होगा, टी इक्वल टू टी वन प्लस टी टू। उसी टाइप से एक बार बोल रहा है कि अप स्ट्रीम, मतलब ऊपर के जाता है, उस समय जो टाइम लगा होगा, फिर नीचे आता है 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, दोनों में जब टाइम को ऐड कर लिया जाता है तो हमारे पास आता है 10 आवर दोनों को मिलाकर। आइए समझते हैं, हम लोग जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, या टाइम इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या, डिस्टेंस बाय स्पीड, ये नहीं जानते हैं। अब देखिए क्या है, इसमें जो टाइम लगा, यानी इसका डिस्टेंस बाय स्पीड जो होगा प्लस इसका डिस्टेंस बाय स्पीड जो होगा, दोनों टाइम आएगा ना, तो टाइम टाइम को ऐड करेंगे तो 10 आवर आएगा। तो कैसे होगा, चलिए देखते हैं। हमें सबसे पहले दिया है डिस्टेंस, तो हमने लिख लिया डिस्टेंस बाय। अब अप स्ट्रीम के लिए स्पीड कितना है, तो एक्स माइनस वाई, तो हम लोग लिख लिए एक्स माइनस वाई। प्लस डाउन स्ट्रीम के लिए डिस्टेंस कितना है, 44, और डाउन स्ट्रीम के लिए स्पीड कितना है, एक्स प्लस वाई, और दोनों को ऐड करने पे टाइम कितना लगता है, तो 10 घंटे लगता है। समझे ना कैसे हुआ, इसको बना लिया फर्स्ट। सेकेंड में हम लोग चलेंगे कि 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब डाउन स्ट्रीम 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम के लिए कितना, अगेन एक्स माइनस वाई, प्लस 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी 55 बाय एक्स प्लस वाई, और अगेन इसमें कितना टाइम लगता है, तो 13 आर। कितना सिंपल सा था, अब तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। सर अब तो हम लोग कर लेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं अपना तारीफ खुद कर रहा हूं, ऐसा कैसे हो सकता है। हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, क्योंकि लेट वाला टेक्निक जो होता है बहुत अच्छे से होता है, अगर आपने एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.6 किया होगा तो यहां से हम लोग लेट कर लेंगे 1 बाई x माइनस वाई इक्वल्स टू u, और 1 बाई x प्लस वाई इक्वल्स टू v। ऐसा हमने लेट कर लिया तो हमारे पास यहां पे कितना आएगा, हमारे पास आएगा 30u प्लस 44v इक्वल्स टू 10, और यहां पे हमारे पास आएगा 40u प्लस 55v इक्वल्स टू 13, है ना, इस टाइप से आया। इसको हमने क्या किया, इसमें हम लोग किसी एक को सेम करना होगा ना, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो ना सर, हम लोग के भरोसे क्यों बैठे हो, हाँ हम आपके भरोसे बैठे हुए हैं, 176 भी इक्वल्स टू 40, मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा, 165 इक्वल्स टू 39 माइनस
माइनस, इससे मर गया, माइनस करेंगे कितना आएगा, यहाँ भी लिखना मैं भूल गया, इतना माइनस करेंगे कितना आएगा 11 भी इक्वल्स टू 1, यानी भी इक्वल्स टू हमारे पास वैल्यू कितना है, भी है, ठीक है, भी इक्वल्स टू कितना है हमारे पास 1/11, कितना आया 1/11, ये आया भी का वैल्यू। इसी तरह से वी का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, है ना, तो पुट भी इन इसमें यार थर्ड फोर्थ इसको मान सकते हैं, अगर इस फर्स्ट सेकंड मान लेना इसको थर्ड फोर्थ मान सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख रहे हैं इक्वेशन थर्ड, इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा 30u+, इससे कैंसिल हो जाएगा, डेट इज 4 होगा ना, 1/11 इसमें पुट करेंगे तो 4 आएगा, 4 इक्वल्स टू कितना आएगा 10, क्योंकि देख रहे हो प्लेस का बहुत प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा इसको ऊपर कर दूं, या बिल्कुल सर आपकी प्रॉब्लम, आपका मार्कर, आपका पेन, सब कुछ कर दो, आपका बोर्ड इक्वल्स टू 10, प्लस में इधर आ गया तो माइनस में, डेट इज 6, कैंसिल कर देंगे तो कितने 5 टाइम्स में, यानी यू का वैल्यू कितना आया 1/5, भी का वैल्यू आया 1/11 और यू का वैल्यू आया 1/5। और हमने स्टार्टिंग में लेट क्या किया था, भी को लेट किया था हमने 1/x+y और यू को लेट किया था 1/x-y, इसको मैं मिटा दूं फटाफट से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, ठीक है, 1 2 3 लेट्स गो। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, जलने वालों की तो रूह भी जलानी है, तो चलिए पहले इसको लिखते हैं, कितना है 1/x-y, 1/x-y इक्वल्स टू यू और यू का वैल्यू कितना है 1/5, यानी यहां से हमारे पास आया x-y इक्वल्स टू 5, उसी टाइप से हमारे पास है 1/x+y इक्वल्स टू हमने क्या लिया था भी, और भी का वैल्यू है 1/11, तो यहां से हमारे पास आया x plus y equals to 11, ठीक है, यहां से अगर इसको देखें तो कट गया, तो हमारे पास कितना आया 2x equals to 16, इससे मर गया कितने टाइम्स में x, तो x equals to कितना आया 8 km/h, और x किसका वैल्यू था, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, पुट एक्स, एक्स को इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा 8 - y = 5, 8 - y = 5 या -y = 5 - 8, या यहां से कितना आएगा -3, माइनस से माइनस मर गया तो y इक्वल्स टू हमारे पास आया 3 km/h, और यही हमारा आंसर होगा। तो आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आया होगा रिवर बोट का, जो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अनदर नए कॉन्सेप्ट के साथ।